दुकान कमाई करके इस मकान को किसी तरह बनवाया हमने। और उसके बाद लड़के की शादी हुई, उस तारीख से मतलब ये हम अलग रहते थे और इस मकान में रहता था। आज तक कोई हमारी मदद उसने नहीं की। एयरफोर्स में सर्विस करता था, यहाँ से 2006 में ट्रांसफर हो गया उसका, वो राजस्थान चला गया। उसके बाद वहाँ से BRS लेने के बाद यहाँ पर आ गया और यहाँ पर रहने लगा। हमसे कहा कि 3-4 महीने हमको मकान दे दीजिए, जब हमारा इंतजाम हो तो हम खाली कर देंगे मकान को। उसके बाद हम जब इससे मकान 3 साल बीत गए थे, हमने इससे कहा कि मकान खाली कर दो, तो उसको हम दोबारा हमको बंद कमरे में मारा उसने। और घर में घुसने हमसे कहा कि तुम दोबारा तो जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब ये हमारे छोटे भाई के नाम मकान अलाट है, इन्होंने इसको बनवाया, इन्हीं के नाम रजिस्ट्री है ये मकान। इसका भी जो हाउस टैक्स पानी टैक्स यही पेमेंट करते हैं। अब इस मकान को इन्होंने अपने लड़के को रहने के लिए दिया था, मतलब उस लड़के ने कहा था कि जब हम अपना अलग ले लेंगे तो फिर खाली कर देंगे। लड़के ने अपना मकान वास्तुखंड में बनवा लिया है। अब वो मकान भी नहीं खाली कर रहा और अब छोटे भाई जो है चौक में जो है मकान में रहते, वो काफ़ी खंडारा गिरने की हालत में है। कभी भी उन मकान गिर सकता हो, उनकी आकस्मिक कोई घटना हो सकती है। इसलिए चाहते हैं कि हमको ये मकान मिल रहा है, हम रहे हैं कि, लेकिन उनका लड़के से हमारी बात भई तो वो कह रहा है हमको 10 लाख रुपया दें तब हम मकान देंगे उनको रहने के लिए। अब चूँकि मेरे भाई जो है वो पहले पान की दुकान करते थे, अब चूँकि मतलब दुकान भी उनकी ख़त्म हो गई, वो बेरोज़गार हैं, कोई उसके आमदनी का साधन नहीं है, एक पैसा भी उनके पास नहीं है, वो कहाँ से पैसा लाए। मुझे ये पता चला कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनके 2 बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, बहू टीचर है, उसके बावजूद में उनको इनसे रहने नहीं दिया जा रहा है। उसी प्रपक्ष में जो है प्रपक्ष में धरना प्रदर्शन बैठे थे, उसी में उनकी हालत बिगड़ी और वो जो है अस्पताल उनको अपने आरक्षियों द्वारा भिजवा दिया गया है। यहाँ पर 4-3 मौजूद हैं, कार्रवाई की जा रही है।